हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी लाइक इंजीनियर्स में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक क्यूबिक फिट में कितने केजी सैंड होती है और एक क्यूबिक फिट में कितने केजी एग्रीगेट होते हैं। यानी कि अगर आपने नाप लिया कि भैया जैसे एक ट्रॉली है, मान लीजिए 80 क्यूबिक फिट की है, तो अब आप उसका वेट भी पता लगा सकते हैं कि उसका वेट कितना होगा। क्योंकि बहुत सी जगह क्या होता है कि वेट से बिकता है, और बहुत सी जगह क्या होता है कि नाप के बिकता है, यानी कि क्वांटिटी से, वॉल्यूम से बिकता है। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक क्यूबिक फिट में कितने केजी सैंड और एग्रीगेट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे पता करने वाले हैं कि एक क्यूबिक फिट में कितने केजी सैंड होती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्यूबिक फिट को चेंज कर लेता हूँ मीटर क्यूब में, जिसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा कि एक क्यूबिक फिट को चेंज करना है मीटर क्यूब में, तो आप उसको डिवाइड कर देंगे 35.28 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.028 मीटर क्यूब। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको सैंड की डेंसिटी पता करना होगी। तो सैंड की जो डेंसिटी होती है वो 1400 से 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में वेरी करती है। तो हम यहाँ पे 1600 किलोग्राम को ही अज्यूम कर लेते हैं कि सैंड की डेंसिटी है। अब देखिए, डेंसिटी है हमारी 1600 किलोग्राम और हमको निकालना है वेट। तो वेट का फॉर्मूला हो जाता है हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है 1600 और वॉल्यूम है 0.208 मीटर क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा सैंड का 44.8 केजी। यानी कि एक क्यूबिक फिट सैंड का वेट कितना होता है, तो 44.8 केजी। अब बात करते हैं कि एक क्यूबिक फिट एग्रीगेट में कितना किलो होता है। तो देखिए, हमको पता है कि एग्रीगेट की डेंसिटी होती है 1520 से लेके 1680 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम वैसे ही निकालना है जैसे हमने सैंड का निकाला था। तो क्यूबिक फिट को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आ जाएगा हमारा 0.028 मीटर क्यूब। और फॉर्मूला भी वही रहेगा जैसा सैंड में था, वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखिए, डेंसिटी में ले लेता हूँ 1680 इंटू 0.028, तो वेट ऑफ एग्रीगेट आ जाएगा हमारा 47 केजी। यानी कि एक क्यूबिक फिट एग्रीगेट का वेट कितना होता है, तो 47 केजी होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने ये जाना कि एक क्यूबिक फिट अगर सैंड है या एक क्यूबिक फिट एग्रीगेट है तो उसका वेट कितना होता है। उम्मीद करता हूँ आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाले सारे बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलूंगा अगले वीडियो में एक और नई बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।